जब रावण का पुतला जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम ने रावण को मार लंका पर विजय प्राप्त की थी, इसीलिए इसे विजय दक्षिणी के नाम से जाना जाता है। दशहरे के दशहरे मतलब बुराई पर अच्छाई का प्रतीक मानते हैं। धन्यवाद, आप सबको दशहरे की शुभकामनाएं। आज दशहरा की घड़ी है आई, आज दशहरा की घड़ी है आई, जूत पर सच की जीत है भाई, जूत पर सच की जीत है भाई। रामचंद्र ने मारा रावण, रामचंद्र ने मारा रावण, तोड़ दिया भी मार सारा, तोड़ दिया और मार सारा, एक बुराई रोज मटाओ, दशहरा रोज मटाओ। दशरथ की तीन रानियां थी, ठीक है, तीन रानियां थी और उनके चार बेटे थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। एक दिन राजा दशरथ सभा बुलाते हैं, सारी प्रजा बुलाया जा, तीनों रानी को बुलाया जाए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबको बुलाया जाए। मैं राजा दशरथ बड़ी सभा में ऐलान करता हूँ कि कुछ ही दिनों में राम का राज्याभिषेक किया जाएगा। नहीं पिताजी, अभी मैं राजपाट संभालने के लिए तैयार नहीं हूँ। नहीं राम, तुम राज्य बनने के योग्य हो, तुम्हें राज्य बनने की सारी विशेषता है। योग्य पिताश्री। जब मंथरा को ये बात पता चलती है कि राम राजा बनने वाला है, मंत्रा, क्योंकि मेरा राम राजा बनेगा। जानी जानी ककई, राम राजा बन गया, तुम खुश हो रही हो? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि वो मेरे भरत के जैसा ही प्रिया है। तुम पागल हो गए रानी ककई, अगर राम राजा बन गया वो भरत को मेरा नौकर ना देगा, वो तो उन सबकी दासी बन जाएगी और राजमाता बन जाएगी रानी कौशल्या। अब मैं क्या करूं मंत्रा जी से राम की जगह मेरा भरत राजा बने? भरत को राजा कैसे बनाना है ये मैं तुम्हें बताऊंगी। पता है रानी को कही, राजा के राजा दशरथ के पास तुम्हारे दो वरदान पड़े हुए हैं। वक्त आ गया है राजा दशरथ से वो वरदान लेने का। और अंकल महाराज, आपको पता है आपके पास मेरे दो वचन पड़े हैं? हाँ रानी गई, मांगो क्या मांगे चाहती हो? आप राम की कसम खाकर कहिए मेरे दोनों वरदान पूरे वचन पूरे करेंगे। हाँ रानी गई, मांगो क्या मांगे चाहती हो? मेरा पहला वचन है राम की जगह मेरा भरत राजा बने, और दूसरा वचन राम को 14 वर्ष का वनवास। जानी की कह, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? राम दुर्योधन में सिद्ध हुए, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? नहीं महाराज, जब आप मेरे वचन नहीं तोड़ सकते, आपको पता है रघुकुल भी सदा चली आई, प्राण जाए तो वचन न जाए। अब आपने मेरे वचन तोड़े तो आप लैंड से लग जाएगा, सारी प्रजा आपको काये कहेगी, सारी प्रजा को बुलाएगी। अब राम की जगह वो देखकर राजा भरत बनेगा। महाराज आपसे तो एक बात कहीं नहीं जा रही, चलो मैं ही बोल देती हूँ। राम को 14 वर्ष के वनवास में जाना है। महाराज अब चाहे मैं तो राजा ना बनाए, पर उसे मुझसे दूर ना जाने देना, इसके बिना नहीं जी पाऊंगी। उसके बाद जब सीता माता को पता चलता है कि राम वनवास जा रहे हैं, तो वो उसे क्या कहती है? स्वामी मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं सीता, तुम हमारे साथ वहां जाके क्या करोगी? हमें भी नहीं पता कहाँ जाके कहाँ रहने वाले हैं, तो तुम इस मुश्किल में कहाँ रहोगी? जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पर
आपका साया बनके आपके साथ रहूंगी। मैंने आपके साथ जीने मरने की कसम खाई है, जहाँ आप वहाँ मैं। ठीक है देवी, अगर आप मेरा फोन ला देंगे तो मैं फोन के साथ आऊंगा। मेरा जन्म मैं आप कैसे करूँगी, तुम घर पर कैसे रख सकता हूँ। ठीक है लक्ष्मण, लक्ष्मण और सीता के साथ वनवास जाते हैं तो वो अपने माता पिता से आज्ञा लेने के लिए आते हैं। राम हमें छोड़ के मत जाना, राम हमें छोड़ के मत जाना, राम तो कहीं मैं क्या सुन रहा हूँ। हमने राम भैया को तो अर्धवास का वनवास दे दिया ताकि मैं राजा बन सकूं। हाँ ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। एक अरियानी तुम्हें एक रात को जन्म दिया है, भविष्य में कोई अपने बीती का नाम पका ही नहीं रखेगा। ऐसा मत कहो, राम लक्ष्मण और सीता माता वनवास चले जाते हैं तो वहाँ रावण की बहन सुर्पनखा उन्हें देखती है। अरे ये कौन दो वीर पुरुष हैं? ऐसे वीर पुरुष मैंने धरती में नहीं देखे। पुरुषो मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम ये क्या बोल रही हो? हम विवाह कर रहे हैं, हम राधा पुरुषोत्तम है, तुम ही कर लो वैसे विवाह। स्वामी 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 देखिए कितना सुंदर मृग है, ऐसा मृग मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, ये मृग मुझे चाहिए। नहीं देवी वो कोई मृग लगता है। नहीं मुझे वो चाहिए। ठीक है देवी मैं वो मृग लेने जाता हूँ। लक्ष्मण तुम कुटिया में आके सीता का ध्यान रखना। दिक्षांदही
मैं बाहर नहीं आ सकती, आप अंदर आ जाइए। अगर तुम बाहर नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे पति को श्राप दे दूंगा। नहीं, मेरे पति को श्राप मत दीजिए, आगे मेरे पति किसी बड़ी मुश्किल में। मैं आपको बाहर आके भिक्षा देने आती हूँ। मैं रावण हूँ। ठीक है हनुमान, तेरा बनो, मेरे को कोई नहीं मार सकता। रावण, तुमने सीता को पकड़ के एक पाप किया है, तुझे तो इसकी सजा मिलेगी। राम ने रावण को मारा और बुराई का क्या हुआ? बुराई का क्या हुआ? अंत। राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया